<clears> okay. <throat> स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में भारतीय कला एवं संस्कृति के इतिहास के परिपेक्ष में एक महत्वपूर्ण खंड को लेके उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला ये ग्यारहवीं क्लास की फाइन आर्ट की एन है इसमें आप लोगों के बीच में बारह लेक्चर हो चुके हैं तो आज 13वां लेक्चर है आप लोगों के बीच में यह है आपके यूपीएससी और स्टेट कमीशन दोनों की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है इस क्लास का प्रसारण एक तरीके से जो भारत का प्रसिद्ध चौराहा है मुखर्जी नगर वहां से आप लोगों के बीच में किया जा रहा है चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जानते हैं कुछ अन के बारे में प्रमुख बातों को उसके बाद में सीधे अपने चैप्टर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अन में सब्सक्रिप्शन लेने पे जो देश के टॉप मोस्ट के एजुकेटर हैं उनका आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता है मैं भी इसी में शामिल हूँ मेरा भी निरंतर आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी में सिविल सर्विस चैम्पियनशिप की बात है इसको आप लोग ये स्कॉलरशिप प्राइज भी आपको अन की तरफ से मिल रहा है और यहाँ पे एक खास बात आप लोगों के बीच में जो आज है उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप लोग देखिए कि अन यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस के परिपेक्ष में एक और दो जून यानी आज और कल की तिथि जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप लोगों के बीच में फोर इन वन का ऑफर था वो आज के लिए ही है। तो अगर कोई आज सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है या कोई कल सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो ले ले उसको यह फायदा मिल जाएगा और अगर सब्सक्रिप्शन में कोई कुछ आधारभूत कुछ बेसिक अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे आपको स्टडी प्लानर यहां पे मेंटेन किया जाएगा स्टडी मटेरियल आपको नोट्स वगैरह भी मुहैया करवाए जाएंगे आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी यहां पे मिलेगा और आपको पर्सनल गाइडलाइंस भी हमारे द्वारा जब तक आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक प्रदान किया जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां पे सामान्य अध्ययन का दो दो प्रकार का सब्सक्रिप्शन है ध्यान दीजिएगा सामान्य अध्ययन का दो प्रकार का सब्सक्रिप्शन है एक प्लस कोर्स का है और एक आइकोनिक कोर्स का है इसको अपने मोबाइल के ये देखिए गूगल प्ले स्टोर से इसको आप लोग अन एकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे प्लस कोर्स के रूप में आपको ये छः महीने ये बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने के रूप में मिल रहा है यहाँ पे रेफरल कोड में आपको हमारा रेफरल कोड मेंशन करना है एस ए एन जे डबल ई बी इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो भी फीस अंकित है इसमें आपको दस प्रतिशत की छूट मिलेगी इसी तरीके से आपका आइकोनिक कोर्स है ये जो आइकोनिक कोर्स है ये आपको 12 महीने 24 महीने 36 महीने के रूप में मिल रहा है यहाँ पे आप लोगों को हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल -E ई -E बी का मेंशन करना है इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी फीस में आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी ये आइकोनिक कोर्स है इसके बारे में मैंने आपको बताया है इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये स्कॉलरशिप का एक मिशन है आप लोगों के बीच में स्कॉलरशिप का मिशन है आने आने केडमिक कॉम्बैट सीरीज के रूप में ये आप लोगों को ये एनरोलमेंट इसमें भी आप लोग करवाइएगा तो हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल ई बी के माध्यम से यहाँ पे इनरोलमेंट करवाइएगा यही हमारा कोड है इसी को आप लोग अप्लाई कीजिएगा अब इसमें ये जो काम बैठ है ये प्रत्येक संडे को ग्यारह बजे का ग्यारह बजे इसका आयोजन होता है इसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आन अकेडमी की तरफ से जिसकी एक से तीन रैंक आती है उसको यूपीएससी सीएससी का वन ईयर का सब्सक्रिप्स मिलता है अन्य लोगों को भी यहाँ पे सुविधाएं मिलती इसके अलावा एक खास बात और है मैं आपको बता दे रहा हूँ आन अकेडमी के परिप्रेक्ष्य में आ, आन अकेडमी में आप लोग देखेंगे तो कल से कई प्रकार के बैचों की शुरुआत हो रही है और ये कैसे बैच हैं ये बिल्कुल नवीन बैच हैं जो प्रारंभ हो रहे हैं फ्रेश बैच हैं आन एकडमी में जो प्रारंभ हो रहे हैं वो फ्रेश बैचेज हैं और ये कल से प्रारंभ हो रहे हैं मतलब आज अगर सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं तो कल डायरेक्ट बढ़िया से आप लोग कोर्स कर सकते हैं आराम से <coughs> और अगर कोई सस्पेंस रहता है कोई डाउट रहता है तो ये हमारे द्वारा आप लोगों को क्लियर कर दिया जाता है फोन नंबर आपको हमने पहले ही दे दिया है तो यहाँ पे जो बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं वो कई प्रकार के बैचेज हैं जैसे वन ईयर का यूपीएससी का कंप्लीट बैच है यूपीएससी का वन ईयर का कंप्लीट बैच है यहाँ पे इसके अलावा टू ईयर का यूपीएससी का कंप्लीट बैच है दो साल का कंप्लीट बैच है इसके अलावा एन का स्पेशल बैच है एन का स्पेशल बैच है और यहाँ पे फोनिक्स यूपीएससी का रिवीजन बैच है 2021 के प्रारंभिक परीक्षा का 2021 के प्रारंभिक परीक्षा का एक रिवीजन बैच है वन ईयर का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है टू ईयर का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है और एन का फाउंडेशन बैच है और ये बिल्कुल न्यूली और फ्रेश बैचेज हैं ये कल से प्रारंभ हो रहे हैं आप लोगों के बीच में इसका सब्सक्रिप्स आप लोग ले सकते हैं तो ये तो रही अन की मुख्य मुख्य बातें जो आप लोगों के बीच में हमने बताई किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग बताइएगा आप पहुंचते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास पर अब पहुंचते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास पर ठीक तो बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग अध्ययन करिएगा क्योंकि ये फाइन आर्ट की एनसीईआरटी टी है यहां से लाइन टू लाइन यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो स्टैंडर्ड बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा कला एवं संस्कृति के परिपेक्ष में चाहे वो नितिन सिंह साहब की किताब हो चाहे वो अन्य कोई किताब आप लोगों ने पढ़ा होगा उससे ये अलग है इसको पढ़ेंगे अगर आप लोग तो कला एवं संस्कृति में अगर यूपीएससी के सामान्य अध्ययन में इतिहास खंड से अगर सात प्रश्न पूछा जाता है तो बड़े आराम से दो तीन प्रश्न आपके बढ़ जाएंगे वैसे सामान्यतः आप चार प्रश्न सही करेंगे लेकिन यहां अगर इस एनसीआरटी को आपने पढ़ लिया है तो करीब करीब छह प्रश्न सही करने की संभावना बढ़ जाती ऐसे अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पे कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि वो किसी किताब में आप पढ़े भी होंगे वहां नहीं लिखी हुई आपको मिलेंगी तो यहां से चूंकि ये भारत सरकार की फाइन आर्ट की एनसीआरटी है जो एक्सपर्ट हैं वो इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में यहीं से प्रश्न बनाने का वो ज्यादातर प्रयास करते हैं इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसका बारह लेक्चर आप लोगों के बीच में हो गया है तेरावा लेक्चर प्रारंभ कर रहा हूं तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक महत्वपूर्ण खंड भी है आप लोगों के बीच में इंडो इस्लामिक वास्तुकला ध्यान से देखिएगा आप लोग इंडो इस्लामिक वास्तुकला अब सबसे पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यह इस एन का आठवां टॉपिक है वैसे लेक्चर क्या है लेक्चर तेरहवां है क्योंकि एक एक टॉपिक को हम लोगों ने कई दिनों में भी पढ़ा है तो यहाँ पे जो आपके बीच में टाइटल है पहले इस टाइटल का मतलब मैं समझाता हूं आप लोगों को इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा जैसे यहाँ पे जो शब्द है आपके सामने वो क्या है इंडो इस्लामिक तो यहाँ पे इंडो इस्लामिक तो इस्लाम का मतलब तो इस्लाम है ही और इंडो का मतलब क्या है इंडो का मतलब है भारत यानी आप जो आज अध्ययन करेंगे वो है मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला और मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला में सल्तनत कालीन स्थापत्य कला और सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का मिश्रित नाम आप लोगों के सामने है इंडो इस्लामिक वास्तुकला यानी जब तुर्क भारत आए तो भारत के पूर्व प्राचीन भारत में भारतीय शासकों का शासन था हिंदू शासकों का शासन था प्राचीन काल को हम लोग हिंदू काल के नाम से जानते हैं तो हिंदू काल में या प्राचीन भारत में कला के स्थापत्य की कई शैलियां भारत में विद्यमान है जैसे मंदिर स्थापत्य की कला शैली है उत्तर भारत की जो कला शैली है वो नागर कला शैली है मध्य भारत की आप लोग देखे होंगे बेसर कला शैली है दक्षिण भारत की द्रविण कला शैली है और अन्य क्षेत्रों में अन्य प्रांतों में क्षेत्रीय कला शैलियों की भी स्थापना हुई है जैसे उड़ीसा में उड़ीसा शैली है खजुराहो में खजुराहो शैली है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर शैली है और ये सब इन्हीं की उप शैलियां हैं जो तीन शैलियां हैं इन्हीं की उप शैलियां तो भारत में स्थापत्य की विशेषताएं मौजूद हैं जब तुर्क आए तो वहां से भी वो अपने स्थापत्य की विशेषताओं को भारत में लेके आए और भारत में पहले से मौजूद थी अब दोनों विशेषताओं को शामिल कर लिया और शामिल जब किया तो भारतीय स्थापत्य कला शैली का नाम बदल दिया अब इसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली के नाम से जाना गया इसे ही मिश्रित स्थापत्य कला शैली बोलते हैं अब इसमें एक बात मैं आपको और बता रहा हूं जो ध्यान दीजिएगा कैसे अलग है ये अन्य पुस्तकों से कैसे अलग है मैं आपको अभी पहली लाइन में ही दिखाऊंगा और ना आप कहीं पढ़े होंगे ना आपको किसी ने बताया भी होगा ध्यान से देखिएगा मैं पहली लाइन में ही अंतर दिखाता हूं आपको पहली लाइन में ही अंतर दिखाता हूं और आप लोग भी जब इस एन को पढ़ेंगे तो इस अंतर को ध्यान में रखेंगे तो सावधान हो जाए सतर्क हो जाए उत्साहित हो जाए पढ़ते हैं इसको मन से इसको मन से पढ़ने का काम करते हैं देखिए पहली लाइन ही देखिए आप लोग पहली लाइन ही देखिए देखिए यहां पे क्या कहा गया है पहली लाइन में ही क्या कहा गया है हां स्पष्ट रूप से अगर दिखाई ना पड़ रहा हो तो दिखाई पड़ रहा है ना हाँ, दिखाई पड़ रहा है बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद हम्म देखिए पहली लाइन में ही अंतर को देखिए कहा जा रहा है ईसा की सातवीं तथा आठवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म ध्यान दीजिएगा पहली लाइन में ही अंतर को दिखाते हैं सातवीं और आठवीं शताब्दी की बात हो रही है यानी आप समझिए कि मोहम्मद बिन कासिम के समय की बात हो रही है भाई आठवीं शताब्दी का मतलब सात सौ बारह ईस्वी में ही तो मोहम्मद या अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के रूप में तो आठवीं शताब्दी का ही तो समय काल है लेकिन इसके पूर्व मध्य एशिया में मध्य एशिया में अरब या मुस्लिम शक्ति स्थापित है और भारत में आठवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया जा रहा है तो यही छठवीं यही सातवीं शताब्दी की बात की जा रही है और आठवीं शताब्दी की बात की जा रही है अब आठवीं शताब्दी में भारत के ऊपर अरबों का पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ध्यान से समझिएगा बहुत एक एक बातों को ओपन करके आपको समझा रहा हूं अब ये देखिए जो इस्लाम धर्म है ये 712 में कही कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम के माध्यम से भारत आ रहा है अब यहां पे आप लोग देखिए ये भारत तो आ ही रहा है लेकिन इसके पूर्व स्पेन और भारत की ओर फैला अब यह बात आपको किसी भी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी भारत के बारे में तो आप जानते हैं कि इस्लाम भारत आया छठवीं और सातवीं और आठवीं शताब्दी में लेकिन इस्लाम स्पेन भी गया ये जल्दी से आपको कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी तो एक नई बात आप लोग नोट कीजिए कि मध्य एशिया में जिस इस्लाम धर्म का विकास हुआ वो भारत आठवीं शताब्दी में आया और इसी शताब्दी में उसका यूरोप में भी विकास हुआ यूरोप में भी विस्तार हुआ और खास करके यूरोप का एक देश है जिसका नाम है स्पेन इसी स्पेन इस के बारे में मुझे याद आ रहा है मध्यकालीन भारत का एक प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शनल पेपर में इतिहास में और वो औरंगजेब और संबंधित है औरंगजेब और नेपोलियन से प्रश्न ने पूछा जाता है कि जैसे दक्षिण के या दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब के पतन को निश्चित कर दिया वैसे स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन के पतन को सुनिश्चित कर दिया था तो नेपोलियन का जन्म इटली के कोर्सिका द्वीप में हुआ था बाद में कोर्सिका द्वीप चला गया था किसके पास फ्रांस के पास उसने खरीद लिया था तो नेपोलियन फ्रांस का नागरिक बन गया एक समय ऐसा आया कि वो फ्रांस का सम्राट बन गया राजा बन गया और विस्तार की नीति को शुरू किया उसमें स्पेन के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके स्पेन को पराजित कर दिया और नेपोलियन ने अपने भाई जोज़फ को वहां पर नियुक्त किया लेकिन नेपोलियन के भाई जोज़फ को स्पेन की जनता ने शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया तो वहां की जनता ने पराजित करके जोज़फ को भगा दिया फिर नेपोलियन गया फिर स्पेन को पराजित किया फिर जोजेफ को स्थापित किया लेकिन जनता ने अंततः स्वीकार नहीं किया और इसी समय ब्रिटेन साथ देने लगा था स्पेन का छुप छुप के साथ देने लगा था यह नेपोलियन के लिए घातक बन गया था और औरंगजेब की बात तो आप जानते ही हैं औरंगजेब दक्कन में यानी दक्षिण भारत में करीब करीब 28 वर्ष लगा दिए तहन और जन की काफी हानि हुई इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन लगभग लगभग दक्कन में ही सुनिश्चित हो गया था तो ध्यान रखिएगा स्पेन की तरफ भी ये इस्लाम धर्म गया था ये आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा इसके अलावा भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों ध्यान रखिएगा ये देखिए एक मुख्य बात एक मुख्य बात यहां पे भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया देखो एक शासक के रूप में मोहम्मद बिन कासिम सात सौ में भारत में आक्रमण करता है लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार इस्लाम धर्म इसी के माध्यम से भारत आया एक कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग अगर इस्लाम धर्म आपसे पूछा जाए कहीं इंटरव्यू में या कोई भी पूछ ले या आप लोग इस्लाम या मुस्लिम धर्म से संबंधित हो किसी एक्सपर्ट के सामने जाएं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जामिया यूनिवर्सिटी में आपको एक्सपर्ट मिलेंगे और मध्यकालीन भारत के इतिहास को लिखने वाले अधिकतर जो एक्सपर्ट हैं वो मुस्लिम एक्सपर्ट ही हैं और बड़ी बेहतर जानकारी मुहैया करवाते हैं मुस्लिम जो एक्सपर्ट हैं अब इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ और उसका माध्यम क्या था तो आप कहिए कि इस्लाम धर्म का आगमन भारत में मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा हुआ सौदागरों के द्वारा हुआ और किसके द्वारा हुआ गुरुओं के द्वारा हुआ यह इस्लाम धर्म पहले ही आ गया था व्यापारियों के द्वारा गुरुओं के द्वारा और सौदागरों के द्वारा ये जो तीन वर्ग हैं वो इस्लाम धर्म के बाहक के रूप में काम कर रहे हैं किसके रूप में काम कर रहे हैं बाहक के रूप में काम कर रहे हैं ध्यान रखिएगा और साथ साथ में यहां पे विजेता जो आक्रमणकारी हैं इनको आक्रमणकारी भी कह सकते हैं या तुर्क विजेता भी कह सकते हैं जैसे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो ये चार माध्यम हैं जिसके माध्यम से इस्लाम धर्म की एंट्री हो रही है भारत में ठीक अब ये 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे अब आप लोग देखेंगे तो भारत में लगभग लगभग 600 वर्षों तक यानी 100-200 नहीं 600 वर्षों तक ये सातवीं शताब्दी से एंट्री हो गई थी आठवीं नौवीं और आप लोग देखेंगे तो करीब करीब जाके 1526 1526 क्या समझिए कि जो इस्लामिक शासन भारत में बना रहा वो अठारह तक बना रहा वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की आठवीं शताब्दी में ही सिंधु गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें निर्माण बनाने का काम शुरू कर दिया था अब एक बात और समझिए आप लोग यहां पे कहा जा रहा है देखिए कितने कॉन्सेप्ट वाली बातें यहाँ पे लिखी गई कहा जा रहा है वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की आठवीं शताब्दी से ही ईसा की आठवीं शताब्दी से ही सिंधु क्षेत्र में और गुजरात क्षेत्र में आदि प्रदेशों में इमारतें और निर्म, निर्मा अन्य निर्माण संबंधी काम शुरू कर दिया था मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की तेरहवीं शताब्दी में शुरू हुआ तेरहवीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ भैया जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई भारत में तो भारत में बड़े पैमाने पर तुर्कों ने या इस्लामिक धर्म से संबंधित शासकों ने स्थापत्य संबंधी कार्य या वास्तुकला संबंधी कार्य या भवन या स्मारक निर्माण संबंधी कार्य शुरू किए अब आखिर ये तेरहवीं शताब्दी में ही बड़े पैमाने पे कहा जा रहा है काम शुरू हुआ क्यों क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्ष 1206 सौ ईस्वी में भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना की जा रही है तो यही तो है तेरहवीं शताब्दी का प्रारंभिक समय और कुतुबुद्दीन के स्थापत्य संबंधी कार्य में आप लोग देखेंगे अभी कुतुब मीनार है कुत, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है या अन्य उसके निर्माण तो बड़े पैमाने पर भवन निर्माण संबंधी कार्य भारत में इस्लाम धर्म के संबंधित शासकों द्वारा तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू कर दिए गए थे ठीक <coughs> क्योंकि इसी समय भारत में ऐबक द्वारा तुर्क शासन की स्थापना की थी ठीक और उत्तर भारत को जीतकर ये देखिए उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी ये भी ध्यान रखिएगा उत्तर भारत को जीतने से मतलब क्या है उत्तर भारत को जीतने का मतलब यह है कि इस समय जो दिल्ली और अजमेर का शासक है उसका नाम क्या है उसका नाम आप लोग देखे ही होंगे कि पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथोराय जो दिल्ली का भी शासक है अजमेर का भी शासक है और इसका मामा जयचंद्र गहड़वाल वंश का शासक है जो कन्नौज जिसकी राजधानी कन्नौज में शासन करता है इसी जयचंद्र की एक पुत्री है जिसका नाम है संयोगिता संयोगिता था, के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि एक कहानी पड़ी होगी उसकी सुंदरता के बारे में कि काफी दिन उसको सजने और संवरने में लगते थे कई दिन सजने और संवरने में उसको लग जाते थे यानी आप लोग देखे होंगे कि वो एक अप्सरा के समान थे एक परी के समान थे बचपन में आप लोगों ने उसकी कहानी सुनी है स्नो व्हाइट की हाँ, स्नो हाइट की कहानी सुनी होगी वो एक परी के समान थी अफसरा के समान थी कई दिनों तक सजने सवरने में उसको लग जाता है और ये पृथ्वीराज तृतीय के मामा हैं जयचंद्र लेकिन पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा को प्यार हो गया था संयोगिता को और संयोगिता को भी डिवोटेड लव हुआ था फिर पृथ्वीराज ने अपने बाहुबल को दिखाते हुए कहीं ना कहीं संयोगिता का क्या कर लिया था किडनैप कर लिया था अपहरण कर लिया था तो ये कैसा विवाह की श्रेणी में आता है अपहरण विवाह की श्रेणी में आता है और आपस में विवाह कर लिया था तो जो जयचंद्र साहब थे वो पृथ्वीराज से नाराज रहने लगे थे तो जब तुर्कों में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज के ऊपर तो पहले युद्ध में पराजित हो गया था तराइन के युद्ध में लेकिन दूसरे युद्ध में हरा दिया था और हराने के बाद में यही तो कहा जा रहा है देखिए उत्तर भारत के शासकों को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई उत्तर भारत के शासकों को जीतकर भारत में दिल्ली की स्थापना की गई एक भूमिका के रूप में अभी आपको बता रहा हूं अभी तो भूमिका के रूप में चीजें आपके सामने हैं तो कितनी महत्वपूर्ण और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा होगा आगे बढ़िए नहीं ऐसी जानकारी नहीं मिलती कि गोरी को इनवाइट किया जयचंद्र ने ऐसी जानकारी कहा मिलती है भाई मिस्टर अमन हां जब गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के ऊपर अटैक किया आक्रमण किया तो जयचंद्र ने साथ नहीं दिया इसकी जानकारी मिलती है बिल्कुल अस्पष्ट कॉन्सेप्ट को समझिएगा इनवाइट नहीं किया आमंत्रित नहीं किया कि आप आक्रमण कीजिए लेकिन जब आक्रमण किया तो साथ नहीं दिया अगर साथ देता तो गोरी वापस लौट जाता पराजित हो जाता दोनों युद्ध में यह है कॉन्सेप्ट ठीक आगे थोड़ा देखिए ध्यानपूर्वक कहा जा रहा है कि बारहवीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह परिचित हो चुका था उस समय यहाँ भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियां भवन निर्माण की और अलंकरण की अनेक विधियां भारत में प्रचलित थी और लोकप्रिय भी हो चुकी थी अब इसमें साहतीरी शैली है टोंडा है अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण चाप है मेहराब है डाट है तोरण है आदि का निर्माण हो चुका था टापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी इसलिए ये ऊपर के ढांचे में बोझ को सहने उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी किन अब गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों महराबों की जरूरत पड़ी ऐसे महराबों को डाट पत्थर से टाप बंद के माध्यम से बनाया जाता था लटकती हुई पगली डाट पर बने गुंबद के अंदर खंभे ना होने के कारण जगह जगह ज्यादा हो गई अब इसमें से आपको क्या बताया जा रहा है इसमें से मध्यकालीन भारत के स्थापत्य की विशेषताओं को बताया जा रहा है ये स्थापत्य की विशेषताएं किसके रूप में है अस्थापत्य की विशेषताएं गुंबद के रूप में है स्थापत्य की विशेषताएं डाट के रूप में है एक एक करके हम लोग इनको देखेंगे जैसे यहां पे आप शाहती शैली की बात की जा रही है ये साहा तीरी शैली तुर्कों ने ही भारत लेके आया टोंड ये भी भारत लेके आया और इसके अलावा चाप और मेहराब और डाट और तोरण द्वारों का प्रयोग तो भारत में पहले से ही किया जाता था इसीलिए इसको मृश शैली के नाम से जाना जाता है अभी जब स्थापत्य संबंधी कुछ चित्र आएंगे तो उसमें मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है मेहराब क्या होता है टोंड और क्या होता है चाप तो इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो इन देशांतरणों और विजयों पर एक ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा कि मुस्लिम शासकों ने जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने स्थानीय देखो ध्यान देना इस बात पे अब ये एक कॉन्सेप्ट वाली बात मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया मतलब जो जो तकनीकें ये अपने क्षेत्रों से लेके आए थे और भारत में जो सामग्रियां और तकनीकें थी इसको इन्होंने अपना लिया जैसे मान लीजिए भारत में ये कोई स्थापत्य संबंधी या भवन निर्माण संबंधी कार्य करेंगे और तो भारत में पहले से ही जो भवन है या स्थापत्य संबंधी निर्माण है उसको तोड़वा देंगे और तोड़वाने के बाद में उसके उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे तो उसमें जो ईंट है गारा है पत्थर है उसी के सामान से पुनः उसको ये जुड़वा देंगे इसीलिए प्रारंभ में जो स्थापत्य की मध्यकालीन शैली है उसे काम चलाऊ शैली के नाम से भी जाना जाता है उसे काम चलाऊ शैली के नाम से भी जाना जाता है ध्यान रखिएगा उन्होंने इन तकनीकों को देखा परखा कुछ को स्वीकार किया कुछ को अस्वीकार किया और कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया अब जो भी भारत में स्थापत्य की कई शैलियां हैं उसमें से कुछ को अपनाया कुछ को नहीं अपनाया कुछ को थोड़ा परिवर्तन के साथ में अपनाया अभी विशेषताओं की बात करेंगे हम लोग इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों शैलियों रूपों और सात सज्जाओं के मिश्रण तैयार हो गया इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीक अस्तित्व में आई उसे सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक या इंडो सारसैनिक एक नया शब्द है आपके पास में सारसैनिक शायद ना सुना हो आपने एक नया शब्द आपके सामने है इसी को अब क्या कहा गया इसी को इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के नाम से जाना गया या इंडो सारसैनिक शैली के नाम से भी जाना गया यही इंडो इस्लामिक शैली ही इंडो शैली है ध्यान रखिएगा और सब में इंडो शब्द लिखा हुआ इंडो का मतलब भारत और तुर्कों को यहाँ पे अरबिक के नाम से भी जाना गया यहाँ पे इस्लामिक और यहाँ पे सारसैनिक के नाम से भी जाना गया ध्यान रखिएगा इंडो अरेबिक शैली क्या इंडो सारसैनिक शैली क्या है और इंडो मुस्लिम शैली क्या है तो वही है जिसका प्रयोग दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भारत में स्थापत्य संबंधी कार्यों के लिए किया था इसके आगे देखिए क्या खास बात आपको बताई जा रही है यहां पे कहा जा रहा है कि हिंदू यह मानते थे कि परमेश्वर नाना रूपों में सर्वत्व व्याप्त है एक बड़ी बात आप लोगों के सामने है हम लोग आज भी तो यही मानते हैं भले ही हमारा कोई इष्ट देवता एक हो लेकिन हम लोग बहु देववादी हैं कई देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो यहां पे क्या कहा जा रहा है हिंदू यह मानते थे यानी भारतीय भारत भारत का भारत जो देश है हिंदुओं का देश है इस्लाम तो अब आया भाई तुर्कों के द्वारा लाया गया मुख्यतया भारत में तो इसके पहले यहाँ पे मुख्यतया हिंदू ही थे और हिंदू यह मानते थे कि परमेश्वर जो परमेश्वर यानी ईश्वर है जो हमारा देवता है उसके कई रूप हैं देखिए नाना रूप नाना मतलब इसके कई रूप हैं और ये कई रूपों से सर्वत्र व्याप्त है ये कई रूपों में व्याप्त है और यहां पे आप देखिए जबकि मुस्लिम धर्मानुयायी यह सोचते हैं कि अल्लाह है एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है इस्लाम धर्म में एक देववाद की बात है और देखो हिंदू धर्म में क्या है बहुदेववाद की बात है इस्लामिक धर्मानुयायी यह मानते हैं कि ईश्वर एक है जिसे वो अल्लाह के नाम से पुकारते हैं और धरती पर उनकी परछाई के रूप में उनकी छाया के रूप में उनके पैगंबर के रूप में मोहम्मद साहब हैं यह इस्लाम मानता है जबकि हिंदू हिंदू धर्म में बहुदेव बात की बात है और मुस्लिम धर्म में आपसे अब यहां पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि एक देव बात की बात है इसके अलावा हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं और चित्रों को सराहते हैं हर प्रकार की सतहों पर चाहे वो दीवाल हो चाहे वो मंदिर हो चाहे वो घर हो चाहे वो कोई अन्य क्षेत्र हो उस पर हम लोग क्या बनाते हैं हम लोग देवताओं की प्रतिमाओं को बनाते हैं चित्रण करते हैं ऐसा कहा जा रहा है जबकि मुस्लिमों के किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रतिकृत बनाना मना है इसलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर पर अरबस का यानी बेल बूटे का काम ज्यामितीय प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया समझिएगा यह एक विशेषता है जो बीच में हमने अभी एक्सप्लेन नहीं किया अब हिंदू धर्म में एक खास बात आप लोग देखिए हिंदू धर्म में मुख्यतया ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के देवताओं की मूर्तियां हिंदू धर्म के लोग कहीं पर भी बना देते हैं चाहे वो दीवाल हो चाहे वो स्मारक हो चाहे वो भवन हो चाहे वो मंदिर हो आप लोग देखते होंगे गर्भगृह तो होता ही है लेकिन हमारे यहां जो मंदिर स्थापत हुआ जैसे वहां के मेन गेट पे आप लोग देखेंगे तो कहीं पर गंगा का कहीं पर जमुना का कहीं पर किसी देवता का किसी देवी का चित्र बना हुआ आपको मिलेगा हम लोग घर की दीवारों पर भी चित्र बना देते हैं कुछ श्लोक वगैरह लिख देते हैं लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है फिर क्या है देखिए क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म में किसी भी सजीव रूप की किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर किसी भी सतह पर प्रतिकीर्त बनाना मना है कहीं भी चित्रण आपको नहीं मिलेगा मुस्लिम धर्म में यानी मूर्ति पूजा की मनाही है जो इस्लाम धर्म के पैगंबर थे मोहम्मद साहब वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे हालांकि आधुनिक भारत में आप लोग देखेंगे जैसे राजा राम मोहन राय हुए या कुछ अन्य लोग हुए तो इन लोगों ने भी कहा कि मूर्ति पूजा में विश्वास ये लोग भी नहीं करते थे और आप लोगों ने सुना होगा कि कबीरदास या रहीम दास ने क्या कहा था कि अगर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने तो खुल के कहा कि अगर पाथर पूजे हरी मिले यानी भगवान या ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं बहुत बड़े पहाड़ की पूजा करता हूं और मुझे मिल जाए भगवान तो कई साहित्यकारों ने भी मूर्ति पूजा की आलोचना की है और उसका सपोर्ट यानी समर्थन नहीं किया है आप लोगों ने सुना होगा हाँ कबीर आगे देखिए अब यहां पे कहा जा रहा है कि जब मूर्ति पूजा को इस्लाम धर्म में स्थान नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया जब वो मूर्ति चित्रण को इस्लाम धर्म में स्थान नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया जैसे हम लोग अपनी दीवारों को रंग के एक तरीके से देवी देवताओं की मूर्ति को बना देते हैं तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं हमारी आस्था है उसमें लेकिन यहां पे मनाही है जब यहां पे मनाही है तो अब ये विकल्प के रूप में क्या लाएंगे स्थापत्य में देखिए तो विकल्प विकल्प के रूप में प्लास्टर या पत्थर पर मतलब प्लास्टर या पत्थर पर मुख्यतया कर रहे हैं ये अरबस्क पद्धति के अंतर्गत बेल बूटे का, का काम कर रहे हैं अब एक पद्धति इनकी है यानी तुर्कों की एक पद्धति आपके सामने है जिसका नाम है अरबस्क अरबस्क पद्धति में यही ये क्या काम करते हैं कि पत्थर की अगर कोई दीवार है तो उसपे अलंकरण करने का काम करते हैं उसपे प्रकृति के चित्रों को बनाते हैं प्रकृति के चित्रों का मतलब पेड़ पौधे वनस्पति नदी इस प्रकार का चित्रण करते हैं चलिए मान लीजिए नदी को छोड़ दीजिए ये हिंदू धर्म में आ जाता है तो प्रकृति का चित्रण मुख्यतया करते हैं और ये बेलबूटे का यहाँ पे अंकन कर रहे हैं और ज्यामितीय प्रतिरूप का अंकन कर रहे हैं सुलेख कलाओं का अंकलन कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कि ये है एक पत्थर है ये है एक कोई सफेद पत्थर मान लीजिए अब इस पे फूल पत्ती बनाने का ये काम करते हैं जैसे मान लो कोई फूल पत्ती यहां पर बना दिया या मान लो कोई पेड़ ही बना दिया इस तरीके से ये इसकी शाखाएं हैं। इसके अलावा कुछ अनेक प्रकार का यहाँ पे चित्रण कर दिया इस तरीके से कुछ चित्रण कर दिया और इस पे सुलेख लिख दिया जैसे हम लोग आप लोग देखते होंगे कि रामायण की कुछ चौपाइयों का अंकन कर देते हैं तो यहाँ पे अरबस्क पद्धति में कुछ लेख कुछ सुलेख जो इस्लाम धर्म की एक कड़ी के रूप में हो उसको लिखा जाता है यहां पे इसी को सुलेख कहा गया जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे कि कई मुस्लिम शासक तो इस्लाम धर्म से संबंधित जो आयत होती है आयत उसका भी अंकन करवाया सुलेख के रूप में ठीक तो ये खास बात रही आगे थोड़ा बढ़ते हैं आगे थोड़ा बढ़ते हैं अब इस्लाम धर्म की कुछ शैलियाँ हैं इसको हम लोग देखेंगे ये एक स्थापत्य संबंधी कार्य है अब ये आपको मैं पहले थोड़ा दिखा देता हूँ थोड़ा सा आप लोग भी कलरफुल हो जाएं अब इसको देखिए ये तुर्कों के स्थापत्य शैली की एक विशेषता है और कितनी अद्भुत लग रही होगी और इसको नाम क्या दिया गया ये मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले देखिए ये जड़ावत का एक काम इसमें तुर्कों की स्थापत्य शैली की कई विशेषताओं का अंकन किया गया है ध्यानपूर्वक इसको एक बार देखिए और कितनी सुनहरी छवि यहां पे प्रदर्शित हो रही है आप लोगों के बीच में देखिए इसको अलौकिक भव्य हाँ और और आप लोगों में से कोई बता सकता है क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि स्थापत्य संबंधी कार्य ये जो आपके सामने है ये कहाँ का है ये उत्तर प्रदेश का है या बिहार का है या दिल्ली का है या राजस्थान का है या गुजरात का है कहाँ का है केवल स्टेट आप लोग बता दीजिए चलिए बताइए यह है एक किले या फोर्ट के रूप में इसका निर्माण कार्य किया गया है बेल बूटे का मतलब कन्हैया क्या है जैसे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को बेल बूटा कहा जाता है ठीक है ना अच्छा जैसे सर उसके अंदर घूम रहे हैं हाँ इसके अंदर बड़े आराम से सही बात है देखो इसी तरीके से इसको बनाया है कि अंदर आप एंट्री कर सकते हैं बहुत गजब बनाया है ये सासाराम बिहार है अच्छा राजस्थान में क्या है भाई आनंद बताइए सभी लोग देखता हूँ कौन बताता है इसमें सही अच्छा अंकित का कहना है यह बिहार का है अच्छा क्रेजी साहब का कहना है यूपी का है ठीक है बताइए बताइए देखता हूँ अच्छा अभय मिश्रा का कहना है दिल्ली का है अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं गुजरात का है कहाँ का है कन्हैया कुमार बताइए अंकुल शर्मा राजस्थान <coughs> पूनम सिंगल कहाँ का है भाई ये स्थापत्य संबंधी कार्य कोई बता सकता है है किसी में दम अच्छा चौधरी साहब का कहना है कि यूपी का है अच्छा यूपी लग रहा है सर मोहम्मद जुनेद अच्छा दिल्ली है रुक्मिणी शर्मा ये कह रही हैं गुजरात का है बताइए बताइए अच्छा अजमेर है अच्छा गुजरात या दिल्ली दोनों गलत हो गया आपका अभी तो हमने थोड़ी देर पहले दिखाया तो था आप लोग देखे ही नहीं आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहता अभी थोड़ी देर पहले जब इस चित्र को आप लोगों के बीच में लाया था तो साइड में लिखा हुआ था राजस्थान जयपुर लिखा हुआ था आइए देखते हैं और ये किसका काम है ये देखो आमेर का किला है ये क्या है ये आमेर का किला है और ये आमेर का किला कहाँ है ये जयपुर में आमेर में कछवाहा राजाओं का शासन था और ये अलवर और जयपुर पूरा इसी कछवाहा राजाओं के शासन में आता है और आमेर का जो किला है उसकी जाली का काम यहां पे आपको दिखाई दिया था उसकी जो जाली बनी हुई थी जैसे खिड़कियों के आसपास में जाली मेन गेट के पास में जाली या जो कमरे हैं वहां पे एंट्री है वहां की जो जाली का काम है वो दिखाया गया था यहां पे तो कितनी भव्य और कितनी अलौकिक जाली का काम यहां पे दिखाया गया है ठीक तो इसको आप लोगों ने देखा ठीक सासाराम में इतनी दिव्य और अलौकिक जाली आपको नहीं मिलेगी ऐसी जाली आपको नहीं मिलेगी देखिए जाली का काम कितना भव्य है देखिए आप कितनी सजावट कितना अलंकरण अब कुछ मुख्य बातें पढ़ते हैं और कंसेप्चुअल बातें पढ़ते हैं हाँ एक चित्रांकन हमने आपको दिखाया अब आप थोड़ा सा कंसेप्ट वाली बातें पढ़ते हैं उसके बाद में चित्र कई आएंगे ध्यान रखिएगा अभी तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ मुख्य कुछ कंसेप्सली अध्ययन कर रहे हैं अब यहाँ पे देखिए जो संरचनाएं हैं जो मध्यकालीन भारत में शासकों द्वारा जिन स्थापत्य संबंधी कार्यों को किया गया यानी जिन संरचनाओं का निर्माण किया उनके प्रकार क्या हैं? तो इसको आप लोग देखिए तो यहां पे कहा जा रहा है कि अब इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है और भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहां धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि जब इस्लाम धर्म भारत आया तो भारत में दो प्रकार की स्थापत्य शैलियां विद्यमान एक धार्मिक और दूसरी धर्मनिरपेक्ष धार्मिक स्थापत्य कला शैली से मतलब यह है कि उसमें मुख्यतया मंदिरों का निर्माण करवाया गया या महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया गया तो यानी जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करवाया गया या मंदिर बनवाया गया वो धार्मिक स्थापत्य हो गया यह मान लो मस्जिद ही कोई बनी तो वो धार्मिक स्थापत्य के अंतर्गत आई अब इसमें धर्मनिरपेक्ष स्थापत्य क्या होगा धर्मनिरपेक्ष स्थापत्य का मतलब जो आम जनता के प्रयोग में लाए जाने वाले स्थापत्य हैं, जैसे सार्वजनिक भवन है कुआं है बारात घर है सरकारी ऑफिस हैं ये सब सार्वजनिक या सराय हैं, ये सार्वजनिक हो गए तो जो सार्वजनिक होंगे वो धर्मनिरपेक्ष होंगे उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा उसको किसी भी धर्म का व्यक्ति यूज कर सकता है तो दो की की प्रचलित हैं। दोनों प्रकार वास्तुकला विद्यमान थी। उसमें मुस्लिम शासकों तथा तो संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवनों को बनाया था जैसे रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें बनाई जैसे यहाँ पे जामा मस्जिद है मकबरे बनवाए दरगाहें बनवाई मीरारे बनवाई हमाम बनवाए इसके अलावा सुनियोजित बाग बगीचे भी बनवाए मदरसे भी सराय या या सराय बनवाई और मीनारे बनवाई तो यहाँ पे देखिए इस 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 हेडिंग को आप लोग समझ रहे हैं ये क्या है इसके अर्थ को मतलब समझ रहे हैं और इसके अर्थ को समझ के नीचे क्या लिखा जा रहा है इसको समझ रहे हैं कि नहीं सच्चाई बताइएगा आप लोग मुझे नहीं लगता कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं समझाता हूं आपको ये जो हेडिंग है इस हेडिंग के माध्यम से कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने स्थापत्य में किन किन संरचनाओं का निर्माण किया उसका स्वरूप क्या है उसका नाम क्या है तो आपने देखा क्या बनवाया मस्जिद बनवाया मकबरे बनवाए जैसे ने पहला मकबरा अपने पुत्र का ही बनवाया दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनी इसके अलावा यहां पे बाग बगीचे भी बनवाए मदरसे भी बनवाए सराय भी बनवाए जिसे कारवा के नाम से जाना जाता है मीरारों का निर्माण भी किया तो यानी स्थापत्य संबंधी कार्यों में मुख्य रूप मुख्य रूप से इस्लामिक शासकों द्वारा इस प्रकार के स्थापत्य कार्य किए गए जैसे मस्जिद बनवाए गए मीनारे बनवाई गई सरायों का निर्माण किया गया और आगे बढ़िए पे विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी वास्तुकला के भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था यानी यहां पे यह कहा जा रहा है कि भाई वास्तुकला संबंधी कार्य वही करेगा जिसके पास धन्य होगा धन होगा सामान्य आदमी तो निर्माण कार्य करेगा नहीं क्योंकि निर्माण कार्य में क्या लगता है धन भी लगता है और जन भी लगता है और धन से ही जन आ जाएंगे मजदूरी करेंगे तो जैसे विश्व में भी स्थापत्य संबंधी कार्य जिन शासकों ने किया इसका मतलब उनके पास धन था तो भारत में भी स्थापत्य संबंधी कार्य जिन शासकों ने किया इसका मतलब उनके पास धन था दूसरी बात यह भी समझिएगा कि अगर भारत में स्थापत्य संबंधी कार्य जिस शासक ने नहीं किया है इसका मतलब हो सकता है उसकी रुचि ना रही हो उसमें और ये भी हो सकता है कि उसके पास धन भी ना रहा हो इसलिए बड़े बड़े स्थापत्य संबंधी कार्य वो कैसे करेगा तो स्वाभाविक है इसको इस सोच को आप लोग बढ़ाइए ये सोच अपने आप ही आप लोगों में लानी है इसके अलावा और क्या कहा जा रहा है उतरते क्रम में देखें तो शासक और सामंत तथा उनके परिवार के सौदागर व्यापारी और उनकी श्रेणिया ग्रामीण संभाग वर्ग और किसी पंथ के अनुयायी थे मतलब यहां पे कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उसके बाद इलतुतमिस आया फिर रजिया आया फिर बलवन आया फिर खिल्दी शासक आए फिर तुगलक शासक आए और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये शासक कमजोर भी हुए तो कमजोर हुई तो भारत में सामंती व्यवस्था का भी एक तरीके से विकास हुआ तो सामंती व्यवस्था के अंतर्गत छोटे छोटे सामंतों ने भी निर्माण कार्य किया लेकिन वो निर्माण कार्य उतने भव्य नहीं होंगे क्योंकि वो उतने ताकतवर नहीं थे ताकतवर नहीं थे तो धन नहीं था जब धन नहीं था तो विशाल निर्माण कैसे होगा इसके अलावा इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई फारसी ध्यान दीजिएगा और तुर्की प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है तीन बातें आपको यहां पे दिखाई पड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात ये सब बातें आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगी किसी भी किताब में आप खोज डालिए किसी भी किताब में यहां तक कि आपको जो ये आ, किताब आप लोग पढ़ते हैं सिंघानिया साहब की उसमें भी इसका अंकन नहीं मिलेगा इसी परिपेक्ष में ये जो फाइन आर की आर ये अपने दिव्य रूप में अलौकिक रूप में आपके सामने है इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा अब उसमें उस सिंघानिया साहब की किताब में ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा तुर्क आए उन्होंने अस्थापत्य शैली का निर्माण किया ये स्थापत्य संबंधी कार्य करवाया दैट फिनिश अब यहां पे क्या दिखाया गया एक कॉन्सेप्ट वाली बात अगर मुख्य परीक्षा में आए कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली क्या है उसकी विशेषता क्या है तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं और यहां पे इन बातों को लिखेंगे तो आपको नंबर भी मिलेगा तो देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है देखिए इस बात को यहां पे कहा जा रहा है कि जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली भारत में आई ध्यान दीजिएगा इधर ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ चैट वगैरह बाद में कर लीजिएगा आप लोग चैट के लिए बहुत समय है अभी बहुत ज्यादा समय है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है आप लोगों के समय कहा जा रहा है इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई प्रभाव दिखाई पड़ता है फारसी प्रभाव दिखाई पड़ता है और तुर्की प्रभाव दिखाई पड़ता है वर्तमान में जो तुर्की है मध्य एशियाई देशों में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है तुर्की को जैसे अभी इसराइल और आप लोगों ने हमास के बीच में एक द्वंदात्मक एक युद्धात्मक स्थिति देखा होगा तो तुर्की ने खुले आम इसराइल का विरोध किया था और वर्ल्ड वार में भी तुर्की का अपना एक प्रमुख स्थान था जो दो विश्व युद्ध हुए हैं उसमें भी एक प्रमुख स्थान था इस तुर्की का तो ये तुर्की आज भी उतना कमजोर राष्ट्र नहीं है ये ताकतवर है तो यहां पे आप लोग इस बात को समझिए कि अब भारत में जो स्थापत्य कला आ रही है जो तुर्क ला रहे हैं उसमें तुर्की शासकों की कुछ विशेषताएं मिलेंगी उसमें ईरान के फारसी या पर्सियन शासकों की कुछ विशेषताएं आपको मिलेंगी उसमें सीरिया जिसकी राजधानी दमिस्क दमिस्क है या जो भी है लेकिन वहां का प्रसिद्ध शहर दमिस्क है सीरिया आईएसआईएस का आप लोग देखते होंगे कि मुख्य जो सीरिया में ही तो शायद एरिया है आई एस आई एस जो तो वो सीरिया की स्थापत्य शैली बहुत प्रसिद्ध थी भाई और की ये विशेषताएं भारत में आ रही हैं यानी मध्य एशिया के जो तुर्क हैं उनकी स्थापत्य कला शैली पूरे भारत में या तो रोम की या तो ये मध्य एशिया की स्थापत्य शैली पूरे विश्व में इस समय प्रसिद्ध है तो ये कला शैलियां भारत आ रही हैं। लेकिन भारतीय तथा आलंकारिक शैलियों तथा सोचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना शैलियां तो भारत में आ रही हैं लेकिन जो तुर्क शासक हैं उनके ऊपर भारतीय कला शैलियों का भी प्रभाव पड़ा उसको भी शामिल किया इन्होंने अपने स्थापत्य में इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरक्षकों और सौंदर्य अनुभूति से भी इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला मतलब भारत में जो संसाधन है जो एक तरीके से लेबर है और जो सौंदर्य की अनुभूति होती है जैसे मान लीजिए कि दीवाल पे आपने एक पिक्चर बनाई यह एक इमेज बनाई और यह इमेज किसी देवी देवता की नहीं है मान लो यह एक फोर्ट की है यह एक सार्वजनिक भवन की है और वह इमेज आपको आकर्षित कर रही है और इतना ज्यादा आकर्षित कर रही है कि उसके उसके सौंदर्य को देख के आप धीरे 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 एक आनंद की अनुभूति कर रहे इसी को सौंदर्य अनुभूति यहां पे कहा गया है ध्यान रखिएगा तो ये जो स्थापत्य संबंधी कार्य है ये इम्प्रेस करेगा और जो इम्प्रेस करेगा तो एक तरीके से हमारे अंदर में एक सोच का विकास होगा कि कुछ ऐसा बनाएं कि और वो इम्प्रेस करे और हमें सौंदर्य की अनुभूति हो तो अभी तो स्थापत्य है जब चित्रकला में आपको पढ़ाऊंगा तो चित्रकला में व्यक्ति चित्रण हुआ किताबों का अंकन हुआ अन्य चित्र भी बने तो जो चित्रकार होता है वो अंदर ही अंदर क्या करेगा कल्पना करेगा कि ऐसा चित्र बनाऊं तो शायद जो चित्र बने वह बहुमुखी हो उसको देखने वाला जो व्यक्ति हो वो निश्चित रूप से इम्प्रेस हो जाए जैसे कई प्रतिमाएं हैं आप लोग देखते होंगे तो देखने के बाद में इम्प्रेस हो जाते होंगे हाँ वास्तव में ये जो प्रतिमा बनी है क्या खूबसूरत बनी हुई इसके अलावा अब ये शैलियों के प्रकार क्या हैं, स्टाइल क्या हैं? इसको आप देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है शैलियों के प्रकार इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है जिनके नाम है ध्यान दीजिएगा ये जो इंडो इस्लामिक शैली का भारत में विकास हुआ इसके इसकी कई उप शैलियां भी हैं जैसे यहां पे आप लोग देखिए कि इसको कई शैलियों में बांटा जाता है जिसके अनेक नाम हैं जैसे इसे शाही शैली के नाम से जाना गया शाही शैली वह शैली है जिसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासकों के अंतर्गत किया गया यानी जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम के शासक हैं खिलजी के शासक हैं तुगलक वंश के शासक हैं सैयद वंश के शासक हैं और लोधी वंश के शासक हैं जब ये कोई निर्माण कार्य करेंगे तो इनको शाही स्थापत्य शैली के अंतर्गत निर्माण करना होगा इसे शाही स्थापत्य शैली कहा जाएगा शासकों की स्थापत्य शैली के नाम से जाना जाएगा दूसरी प्रांतीय स्थापत्य शैली भी है जैसे इनके समय काल में कुछ प्रांतीय शासक भी हैं जैसे मांडू है मांडू है जैसे गुजरात है बंगाल है जौनपुर है, है, है ये सब प्रांत हैं, दिल्ली सल्तनत में ये प्रांत हैं, ये कभी स्वतंत्र हो जाते हैं तो कभी दिल्ली सल्तनत के शासक इनको मिला लेते हैं जैसे जौनपुर है जौनपुर में आज भी सर की स्थापत्य कला का प्रतिबिंब नहीं वहां पे आपको स्थापत्य कला आज भी देखने को मिलेगी जैसे जौनपुर की अटाला मस्जिद है अत्यंत प्रसिद्ध है जौनपुर का गोमती नदी पर बना शाही पुल है जैसे मांडू का किला है जैसे गुजरात में कई किलों का निर्माण किया गया तो ये प्रांतीय शैली के अंतर्गत आएगा और इसके बाद में मुगल स्थापत्य कला शैली लिया आए, आएगी भाई दिल्ली सल्तनत के शासकों का जब पतन हो गया तो इसके बाद में मुगल आए बाबर ने इसकी स्थापना की मुगल साम्राज्य की तो बाबर के समय में निर्माण कार्य आपको कम ही मिलेंगे लेकिन अकबर के समय में ज्यादा जहांगीर के समय में कम मिलेंगे शायद जहां के समय में स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंच जाएगी स्वर्ण कला युग आ जाएगा शाहजहां के समय में औरंगजेब के समय में भी स्थापत्य संबंधी कार्य कब मिलेंगे तो ये जो मुगल शैली है ये दिल्ली में ये आगरा में और लाहौर में मुख्य रूप से रही इसके अलावा दक्कनी शैली है दक्कनी शैली बीजापुर गोलकुंडा में मुख्य रूप से है इसके अलावा ये श्रेणियां वास्तुकलात्मक का कार्यों की विशेषताओं का ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खासों में बांधकर रखा जा सकता है तो यानी कला की कई स्थापत्य शैलियां हैं ये जयपुर का किला जयपुर का ये क्या है ये जयपुर का आमेर का किला है ध्यान रखिएगा और इसकी जाली के कार्य को हम दिखा चुके हैं आप लोगों के बीच में थोड़ा और आगे बढ़िए अभी कला के विभिन्न रूपों का हम लोग अध्ययन करेंगे लेकिन कुछ अन्य बात आपके सामने उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव एक मुख्य बात है आपके सामने इसको देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है एक टाइटल है उदारता पूर्वक ग्रहण और प्रभाव यानी जो कला की प्रांतीय शैलियां हैं उन्होंने इस स्थापत्य यानी मुस्लिम स्थापत्य कला शैली को कैसे ग्रहण किया और क्या प्रभाव पड़ा उसका इसको देखिए तो यहां पे जो प्रांतीय शैलियां आई जैसे मांडू शैली है जैसे गुजरात शैली है जैसे जौनपुर की अपनी शैली है जैसे मुगल काल में भी कई प्रांतीय शैलियां प्रचलित हैं तो ये जो शैलियां हैं इसमें बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग अलग नाम से जाना जाता है गुजरात की वास्तुकला को अलग नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके संरक्षकों ने मकबरों मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे ये भी कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय शैलियां हैं इन क्षेत्रीय शासकों ने क्या किया था कि भारत में जो पहले मंदिर स्थापत्य की कई शैलियां प्रचलित थीं, उन शैलियों को अपना के मस्जिद और मदरसों में शामिल किया कई बार तो हमारे यहाँ जो शिक्षा के केंद्र थे जो मंदिर होते थे चाहे वो बुद्धिज्म से संबंधित हो चाहे जैनिज्म से चाहे वैष्णव या शैव धर्म से संबंधित मंदिर होते थे उनको तोड़ के ही मस्जिद या उनको तोड़ के ही कई बार आप लोग देखेंगे कि मदरसे का निर्माण कर दिया जाता था जैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था अढ़ाई दिन में उसका निर्माण करवाया इसलिए उसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद नाम दिया गया लेकिन उसका निर्माण नहीं करवाया अढ़ाई दिन में कोई मस्जिद बनती है क्या और शासक अढ़ाई दिन में मस्जिद कैसे बनवा लेगा यानी वहां पे कोई इमारत थी और उस इमारत में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन करने के बाद नाम उसका बदल दिया और इसमें ये देखो जैसे तोरण द्वारों को अपनाया मेहराबों को अपनाया सरदल को अपनाया लिंटल को अपनाया घंटी को अपनाया जंजीर के नमूनों को अपनाया अब देखिए ये जो स्थापत्य कला की स्टाइल आपके बीच में यहां पे लिखी गई जैसे तोरण द्वार तो हमारे यहां मंदिर स्थापत्य में कई प्रकार के भव्य द्वार बनाए जाते थे गेट तोरण द्वार अब जैसे यहां पे एक द्वार है इसको मैं बताता हूं ये इस तरीके से भव्य द्वार बनाए जाते हैं इसी को क्या कहा जाता है इसी को तोरण द्वार कहा जाता है भव्य द्वार इसपे अलंकरण भी किया जाएगा ये अलंकरण किया जा रहा है ये काफी भव्य आपको लग रहा होगा इसके अलावा मेहराब यही है मेहराब यहां पे ये जो स्थिति आ रही है ये है मेहराब तो मेहराब पहले से ही भारत में मौजूद है मेहराब दिल्ली सल्तनत के पूर्व भारत में मौजूद है ध्यान रखना इसके अलावा सरदल हो गया लिंटल हो गया घंटी हो गया जंजीर हो गया ये सब स्थापति की विशेषताएं हैं घंटी जैसे मंदिर के अंदर में आप लोग घंटी या घंटा बजाते होंगे तो घंटी की स्थिति पहले ही भारत में विद्यमान थी। तो इस साज सज्जा ने बहुत प्रभावित किया अन्य रूप आपको देखने को मिल रहे हैं इसको देखिए क्या है अन्य रूप इन रूपों में कटाव उत्कीर्णन या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है अब एक शैली आपको मिल रही है गचकारी गचकारी का मतलब समझते हैं आप लोग गचकारी इसी गचकारी को पच्चीकारी भी कहा जाता है इसी गचकारी स्टाइल इस को गचकारी गच्चीकारी या पच्चीकारी और इसी को क्या कहा जाता है इसी को पित्रादुरा शैली के नाम से भी जाना जाता है इसी को पित्रादुरा शैली के नाम से जाना जाता है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किसमें किया गया है ताजमहल में किया गया है ताज में आगरा के ताजमहल में सर्वाधिक प्रयोग इसका किया गया अच्छा टेलीग्राम नाम ये लीजिए टेलीग्राम लिंक आपके सामने है टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ठीक ये टेलीग्राम लिंक है आपने नाम लिया टेलीग्राम मौजूद है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ वगैरह यहीं पे आप लोगों को प्रदान किया जाता है हमारे द्वारा ठीक है ना <laughs> ठीक है अब कुछ मुख्य बात है आगे इसको देखिए आप लोग <coughs> <coughs> तो क्या है भाई जो प्लास्टर है प्लास्टर का मतलब क्या होता है पत्थर मान लीजिए पत्थर इस पर जो डिजाइन किया जाता है या डिजाइन बनाई जाती है और हीरे और जवाहरात की जड़ावट की जाती है इसी को स्टाइल इस के नाम से जाना जाता है मैं अभी बता दे रहा हूं चित्र भी दिखाऊंगा आप लोगों को क्या है स्टाइल <clears throat> इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता है उसमें रंग भी भरे जाते हैं नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते हैं या पत्थर में उकेरे जाते थे इन नमूनों में तरह तरह के फूल भी शामिल होते थे ध्यान दीजिएगा ये फूल उपमहाद्वीप में और बाहरी स्थानों पर खासतौर पर ईरान में लगते थे अब ये क्या हुआ पत्थरों को जो तमाम तरीके से उस पर चित्रांकन किया गया उस पर फूल बनाए गए तो ये किसकी शैली है ये ईरान की यानी पर्सिया की शैली है इसको भारतीय शासकों ने अः परसिया से लाया था और यहाँ पे देखिए चापो चाप का मतलब किससे है अब एक एक बात को देखिए चाप का मतलब किससे मेहराब से हमने आपको अभी दिखाया था मेहराब क्या होता है अब पहले क्या होता था हमारे यहां जो एंट्री के गेट होते थे वो इतने भव्य और अलौकिक नहीं होते थे लेकिन जब उस पर चाँप या मेहराब जैसे चाँप का मतलब ऐसे समझिए कि चाँप लगा दिया जाता है इस तरीके से इस तरीके से क्या लगा दिया जाता है चाप तो एक आकृति निकल के आई और थोड़ा सा ये अलौकिक लग रही होगी आपको भव्य लग रही होगी अब जैसे मान लो यह एक संरचना है ठीक अब इस संरचना में यहां पे आप देखो कि इसका इस तरीके से अलंकरण कर दिया जाता है तो ये क्या हो गया ये मेहराब कई बार आपको ये मेहराब इस तरीके से भी बदल के आपको मिलेगा कई बार घोड़े की नाल का आकार आपको घोड़े की नाल घोड़े की घोड़े में आप लोगों ने देखा होगा घोड़े में जो हार्स होते हैं फिंगर्स होती है उंगलियां होती है, आप लोगों ने देखा है उंगली फिंगर जैसे हम लोगों के पैर में फिंगर्स होते हैं तो फिंगर्स होती नहीं जैसे गाय है भैंस है तो उसके जो पैर होते हैं उनके जो उंगलियां होती हैं उनको खुर बोला जाता है उसी तरीके से घोड़े का जो पैर का अंतिम सिरा होता है उसको नाल बोला जाता है तो उसके जैसे कालांतर में मेहराब बनने लगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा जो कि कठिन भी है आसान तभी होगा जब आप ध्यान देंगे जैसे फूलों में कमल के फूल का अंकन किया गया अब कमल के फूल की आकृति की दिल्ली में भी कई इमारतें बनी हुई है इसके अलावा दीवारों को भी चिनार व अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था जो दीवार होती थी आंतरिक दीवारें हो या बाह्य दीवारें हो भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों का काम किया जाता था इनकी डिजाइनें कपड़ों और गलीचों पर भी पाई जाती थी अब फूल पत्तियों की जो डिजाइन है वो कपड़ों पर भी आपको मिलेंगी गलीचा आप लोग देखते होंगे उस उस पर भी आपको मिलेंगे और उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुझे याद आ रहा है उसका नाम है भदोही वो शायद गलीचों के लिए या कालीन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भदोही और एक कोई और जिला है दो जिले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है गलीचा चौदहवीं और पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों में दीवारों में गुम्बदों की सतहों पर टाइलें लगाई जाती थीं उस समय लोकप्रिय रंग क्या था लोकप्रिय रंग यहाँ पे आपको नीला देखने को मिलेगा फिरोजी देखने को मिलेगा हरा आपको देखने को मिलेगा वैसे ये लोकप्रिय रंग पहले से ही जब आपको भीम बेटका से चित्रकारिता का साक्ष मिलता है ना तो इन्हीं रंगों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है वहां पे नीला है हरा है पीला है सफेद है लाल है इसके बाद सतही सजावट के लिए खास तौर से दीवारों पर हाँसीयों के चाप खाने बनाए जाते थे ये सजावट की विविध बातें यहां पे आप लोगों के बीच में है अब ये देखिए ये आपके सामने एक स्टाइल आ रही है और इसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे इसका नाम क्या है इसको देखिए आप लोग ये सजावट या ये अलंकरण की एक पद्धति है एक सिस्टम है एक स्टाइल है इसको देखिए ये भव्य आपको लग रहा होगा ये एक फूल पत्ती का डिजाइन बन रहा होगा और देखिए यहां पे आपको कमल का फूल भी दिख रहा होगा ध्यान से देखिएगा यहां पे आपको कमल का फूल भी दिख रहा होगा दिख रहा है या नहीं जल्दी से बताइए देखिए ये कौन सी स्टाइल है भाई ये स्थापत्य की कौन सी स्टाइल स्टाइल है ध्यान दीजिएगा ये स्थापत्य की कौन सी स्टाइल है हुँ? हाँ हाँ साइड में हो गए देखिए आप अच्छा मधुबनी है पेंटिंग अच्छा नहीं है ये ठीक है फिर क्या है भाई अच्छा बताइए 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 कौन सी स्टाइल है ये यहाँ पे देखिए कमल का फूल बना हुआ नजर आ रहा है नहीं आ रहा है नजर देख ही नहीं रहे हैं आप लोग ताजमहल देखा है ना उसमें इसी स्टाइल का तो प्रयोग किया गया ताजमहल में इसी स्टाइल का तो प्रयोग किया गया है ताजमहल में ये स्टाइल आपको देखने को मिलती है देखिए यही तो है गच्चीकारी शैली यही तो है गच्चीकारी शैली यही है पच्चीकारी शैली या पित्रादुरा स्टाइल पित्रादुरा स्टाइल देखिए कमल के फूल बने हुए कमल के फूल का अंकन यहां पे किया गया है और सफेद संगमरमर पर अंकन किया गया है सफेद संगमरमर आपको दिख रहे होंगे सफेद संगमरमर पर ये आकृतियां आपको दिख रही होंगी कितनी भव्य कितनी अलौकिक आकृतियां यही है पित्रादुरा स्टाइल देखिए यहां पे लिखा भी है ये और आगरा भी लिखा है ये भी ध्यान रखिएगा पित्रादुरा स्टाइल आगरा पित्रादुरा स्टाइल आगरा और इस स्टाइल का सर्वप्रथम प्रयोग एतमादुदौला के मकबरे में किया गया है किसमें किया गया है एतमाधुदौला के मकबरे में किया गया है एतमादुदौला एतमाधुदौला के मकबरे में एतमाधुला के मकबरे में इसका प्रयोग किया गया है। अब ये जो एतमादुद्दौला है अब आप लोगों को बताना है कि इसका मकबरा है कहां मैं आपको विकल्प देता हूं और सभी लोग बताइए ए विकल्प आपके सामने आपके सामने बी विकल्प भी है और बी विकल्प है लाहौर सी विकल्प आपके सामने है आगरा और डी विकल्प आपके सामने है फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी ये एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है एक प्रश्न है बताइए जरा एक प्रश्न है आप लोगों के बीच में इसको बताइए उत्तर बताइए आप सभी लोग क्या होगा भाई इसका उत्तर अच्छा सी आगरा आगरा बताइए बताइए उत्तर बताइए सभी लोग चलिए ठीक है ये कहां है भाई एतमादुद्दौला का मकबरा तो यह मकबरा आगरा में है बिल्कुल आपने सही बताया ये कौन है इसी का नाम है मिर्जा गियास बेग और ये नूर जहां का पिता है और नूर जहां का ओरिजिनल नाम है मेहरो नेसा जो जहांगीर की पत्नी थी ठीक तो ये हो गया पित्रादुरा स्टाइल आप लोगों ने व्यापक रूप से इसको देखा अपनी एनसीईआरटी में अब आगे थोड़ा सा भवन निर्माण को देखते हैं जो मुस्लिम शासक हैं या दिल्ली सल्तनत के शासक हैं भवन निर्माण में कैसी कैसी सामग्री का ये लोग प्रयोग करते हैं आइए इसको देखते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है और आइए देखते हैं सबसे अधिक लोकप्रिय था हाँ मसाला आज भी लोकप्रिय है और मसाले की मुख्य भूमिका होती है सामग्रियों हो में और इसमें क्या होता है इसमें रोड़ी और कंकड़ आदि से चिनाई करने का काम किया जाता था। इसके अलावा उस समय के सभी भवनों की दीवारें काफी मोटी होती थी सही बात है न्यू काफी मोटी होती थी इसके अलावा इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई भी की जाती थी और पत्थर के चौके जड़े जाते थे निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था कई तरीके के पत्थर लगते थे आज भी लगते हैं जैसे अस्फटिक बहुत मूल्यवान पत्थर है बलुआ पत्थर है पीला पत्थर है संगमरमर है ये अस्फटिक का प्रयोग आप लोग देखिए ये पाषाण काल का मानव भी करता था दीवारों को अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था आज भी किया जाता है सत्रहवीं शताब्दी के शुरू होते होते भवन निर्माण के कार्य में ईंटों का भी प्रयोग अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप लोगों के बीच में है भवन निर्माण या स्थापत्य संबंधी निर्माण में जो ईंटा के आप लोग मकान या भवन बनाते हैं ईंटों का इसका प्रयोग पहले नहीं होता था पत्थर के ही भवन निर्माण किए जाते थे लेकिन सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में ईंटों का प्रयोग भी शुरू हो गया उसके पहले ईंटा नहीं प्रयोग में लाया जाता था तो एक मुख्य विशेषता आपको कहीं ना कहीं मिली तो सत्रहवीं शताब्दी में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा इनसे निर्माण कार्य में अधिक थोड़ा सा सरलता आई आसानी आई भाई बड़े बड़े पत्थर रख के उठाने में बड़ा मुश्किल होता था और बड़े ऊपर उसको ले जाने में भी मुश्किल होता था अब छोटे छोटे जो ईटे हैं उनको ऊपर ले जाना भी थोड़ा सा आसान हो गया और नम्यता भी आ गई इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता काफी बढ़ गई थी तो ये भवन निर्माण के लिए सामग्री हो गई इसके अलावा अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सामग्रियों का प्रयोग करके किलों का और दुर्गों का निर्माण कैसे हुआ किला या दुर्ग तो किले को ही दुर्ग कहा जाता है इसी को अंग्रेजी में फोर्ट भी कहा जाता है इसी को क्या कहा जाता है इसी को अंग्रेजी में फोर्ट भी कहा जाता है अब ऊंची 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 मोटी प्राचीरों फसीलों व बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा तो राजघरानों की विशेषता थी ऊंची ऊंचे क्षेत्रों पर किले बनाने का ये काम करते थे और बड़े विशाल किले बनाने का काम करते थे और उसको कई रक्षा प्राचीरों से घिरते थे उसकी चाह की जाती थी क्योंकि अभेद्य किलों का अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक होता था मतलब इसके ऊपर जल्दी से कोई भी शासक आक्रमण ना कर पाए और आक्रमण कर पाए तो इस किले की विजय ना कर पाए ये किला यह दिखाता था कि राजा कितना शक्तिशाली है कितना ताकतवर है कितना अमीर है इसके अलावा जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता उससे छिन जाती थी क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था अब जैसे मान लो अलाउद्दीन खिल्दी ने किसी किले के राजस्थान के किसी शासक के ऊपर आक्रमण किया जैसे मेवाड़ ही है या कोई अन्य राजपूत शासक है उसके किले के ऊपर आक्रमण किया रणथंभौर का किला है उसके ऊपर आक्रमण किया वहां के शासक को पराजित किया तो वो शासक अलाउद्दीन खिलजी की स्वामी भक्ति को स्वीकार करेगा प्रभु सत्ता को स्वीकार करेगा और लगभग लगभग वह किला किसके नियंत्रण में आ जाएगा वह अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण में आ जाएगा अब अलाउद्दीन खिलजी स्वतंत्र है कि वापस उस शासक को वो किला करता है या नहीं करता है या जो नबीन शासक बनता है उसको वापस करता है या नहीं करता है इस तरह कई दुर्भेद विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़ ग्वालियर देवगिरी दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं चित्तौड़ का किला भी अभेद्य था अलाउद्दीन खिल्दी इस किले के सामने बहुत दिन तक खड़ा रहा और रास्ता ही नहीं पता चला कि रास्ता किधर से ऐसे में एक किला ग्वालियर का भी है ग्वालियर का जो किला है ये किलों में सबसे बड़ा किला है काफी दिव्य है काफी अलौकिक है आज भी वर्तमान में है और ग्वालियर में बीचों बीस में यह किला है और इस किले से लगती हुई एक इमारत है जो ग्वालियर के राजा मान सिंह की प्रेमिका की इमारत है, और गोलकुंडा का किला भी देवगिरी दौलताबाद का किला महाराष्ट्र में अत्यंत भव्य है जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते थे उनकी कल्पनाशील कुंठित होती हुई दिखाई पड़ती थी कि भाई कैसे इतने भव्य किलों का निर्माण इन शासकों ने किया था इसके अलावा आगे बढ़िए थोड़ा सा अभी एक किला में आपको दिखाऊंगा और ये ग्वालियर का किला ही है आपके सामने दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का प्रयोग अधिक लाप्रस समझा जाता था जो किले बनते थे जो दुर्ग बनते थे पहाड़ों के आसपास में बनते थे जो कि पहाड़ों के आसपास में बनेंगे तभी उनको अभेद्य माना जाएगा आसानी से वहां पे एंट्री कर पाना बहुत मुश्किल होता है इसके अलावा इन ऊंचाइयों को कई फायदे थे जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को बड़ी दूर से जैसे अः पहाड़ियों के ऊपर किलों को क्यों बनाया जाता था क्योंकि इसके ऊपर चढ़ते थे तो पहाड़ी ऐसे ही काफी ऊंचाई पर होती थी और किला और ऊंचा हो जाता था तो वहां से चढ़ के क्या होता था राजा बड़ी दूर तक या राजा की सेना बड़ी दूर तक देख लेती थी कि हाँ भाई कोई उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तो नहीं आ रहा है क्योंकि काफी ऊंचाई पर हो जाता हो जाता जाता था था वो सुरक्षा के दृष्टि से अत्यंत योग्य ये ऊंचाइयां जो रहती थी ये सामरिक महत्व तो रहती थी उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाए बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी अब ये जो किला होता था इसमें आवास भी होता था इसमें दफ्तर भी होता था राजा का शासक का इसके अलावा इसमें आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था ऐसी ऊंचाइयों पर बने किलों कई किलों का उदाहरण आपको मिलता है एक किला आपके सामने इसको देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल नेचुरल यहाँ पे इस किले को दिखाया गया है बिल्कुल नेचुरल और बताइए ये कौन सा किला है आप लोग एक बार देख के जरा बताइए कि ये कौन सा किला है जरा देखिए और देखने के बाद में आप लोग बताइए थोड़ा छोटा करता हूं तो व्यापक रूप से आपको दिखेगा। देखिए देखिए इस किले को आप देखिए यह किला है काफी ऊंचाइयों पर यह किला आपको दिखाई पड़ रहा होगा काफी ऊंचाई पर काफी ऊंचाई पर यह किला आपको दिखाई पड़ रहा होगा अच्छा चित्तौड़ है बताइए बताइए कौन सा किला है भाई ग्वालियर है चित्तौड़ है बताइए नकुल चित्तौड़ ठीक है अन्य लोग भी बताएं अच्छा आमेर का किला है अच्छा कोई अभी तक बता नहीं पाया वैसे अच्छा एक लोगों ने बताया एक लोगों ने बताया है अच्छा ये मनीष हैं ओके 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 तो कौन सा ये किला है भाई देखिए ये आपका हवाई चित्र लिया गया है ये आपका हवाई चित्र लिया गया है और ये दौलताबाद का किला है ये देखिए ये दौलताबाद का किला है दौलताबाद या देवगिरी का ये किला है और इसका हवाई चित्र लिया गया और दौलताबाद या देवगिरी का किला कहाँ है ये महाराष्ट्र में है ध्यान रखिएगा इसी को मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी बनाता है इसी को मोहम्मद बिन तुगलक अपनी क्या बनाता है अपनी राजधानी बनाता है इस चित्र को भी देखिए नीचे वाले पोर्शन को भी देखिए हाँ वैसे तो देख ही लिया ये देखिए आप लोग वास्तुकला का एक भव्य नमूना आपके सामने और है वास्तु देखिए इसमें आप लोग यहाँ पे घूम रहे हैं देखिए कौन कौन है यहाँ पे घूमते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे होंगे ये देखिए नीचे रोड पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे ध्यान से देखिए ये कौन सा किला है भाई ये कौन सा किला है आपके सामने ये देखिए आप लोग और थोड़ा सा छोटा करता हूं तो इसको शायद पहचान जाए आप लोग और छोटा करता हूं तो शायद हाँ पहचान जाए आप लोग अब पहचान सकते हैं आप लोग इसको <coughs> यहां पे अब आप लोग ये देखिए इधर से एंट्री कर रहे हैं ये एंट्री है ये ऐसे ऐसे ये एंट्री और फिर ऊपर आप पहुंचते हैं ये रास्ता है ये आपको यहाँ पे शहर दिखाई पड़ रहा है ये आपको शहर दिखाई पड़ रहा है तो ये काफी भव्य काफी अलौकिक काफी दिव्य किला आपके रूप में आपके सामने है कौन सा किला है भाई अच्छा आमेर का है कौन सा किला है कन्हैया अच्छा चित्तौड़ का है विनीता का कहना है ठीक है बताइए भाई कौन सा किला इतना भव्य किला बना हुआ है और कौन कौन घूमा है इस किले को कौन कौन घूमा है इस किले को कोई घूमा है मैंने खूब घूमा है वैसे इस किले को हमने खूब घूमा है और इस किले में अस्पताल भी है स्कूल भी है अस्पताल भी है स्कूल भी है और काफी भव्य है ये किला तो ये किला है ग्वालियर का किला किसका ये किला आपको दिखाई पड़ रहा है ये ग्वालियर का किला आपको दिखाई पड़ रहा है जिसको ग्वालियर के सिंधिया शासक ने बनवाया था ग्वालियर के राजा ने बनवाया था और यहीं पे नीचे आप उतर के आएंगे तो साइड में आपको गुर्जरी महल ये आपको दिखाई पड़ा है बिल्कुल कोने में और इस किले के बारे में कहा जाता है सबसे ब्रस्त सबसे बड़ा किला यही है ये आज भी है और ग्वालियर में शहर के बीचों बीच में स्थित है तो जहां से इसकी संरचनाएं शुरू होती हैं वहीं पे ग्वालियर में आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाने वाली कई संस्थाएं हैं तो वहां पे मैं जब जाता था तो इस किले का दर्शन एक बार जरूर करता था संडे को छुट्टी होती थी और इस किले को ही उस समय देखता था आराम से तो काफी भ्रमण किया है इस किले का हमने ये देखिए ये क्या है ये ग्वालियर का किला है देखिए लिखा है ये ग्वालियर का किला है ये किसका किला है भाई ये ग्वालियर का किला है ये ग्वालियर का किला है ध्यान रखिएगा ये ग्वालियर का किला है ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर क्या है मध्य प्रदेश का एक जिला है और दिल्ली से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है मुझे लगता है शायद आगरा के बाद में हाँ आगरा के बाद में ग्वालियर ही तो आता है तो ये ग्वालियर का किला आप लोगों के सामने है। ठीक ये देखो ये मीनारों की संरचना है ये किसकी संरचना है ये मीनारों की संरचना इस तरीके से मीनारे बनती थी इस तरीके से क्या बनती थी मीनारे बनती थी लेकिन अभी हम लोग किला ही पढ़ रहे हैं तो किले की तरफ ही चलते हैं अभी हम लोग किला पढ़ रहे हैं तो किले की तरफ ही चलते हैं ठीक तो आइए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं जिनमें किले के चारों ओर बाहरी दीवारों एक के बाद कई घेरे बनाए जाते थे जैसा कि गोलकुंडा के कि किले में देखने को मिलता था मतलब किले को कई रक्षा प्राचीरों से क्या किया जाता था घेरा जाता था वो सुरक्षा दीवार के रूप में काम करते थे और इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी यानी किले के आंतरिक भाग में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को कई बार युद्ध करना होता था दौलताबाद के किले को आप देखेंगे दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं थी ये भी ध्यान रखिये किले में मान लो शत्रु की सेना एंट्री कर रही है तो शत्रु की सेना को समझ में नहीं आता था कि वास्तव में राजा की सेना स्थित कहा है या राजा का निवास कहा है किले के अंदर में तो कई भ्रामक स्थिति होती थी दौलताबाद का किला जो है वह इस मामले में अत्यंत विख्यात है इसके प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे ध्यान रखना प्रवेश द्वार टेढ़े मेढ़े होते थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं होता था यहां एक के भीतर एक यानी दो किले बनाए जाते थे अब देखिए एक किले के भीतर कई किले का निर्माण होता था जिसमें दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया जाता था और उस तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया को पार करना होता था जैसे लखनऊ में भूल भुलैया है आप लोगों ने देखा है लखनऊ में लखनऊ में भूल भुलैया है उसको आप लोगों ने देखा है उसमें अकेले अगर पहली बार आप जा रहे हैं तो इंटी मत कीजिएगा नहीं तो भूल जाएंगे फिर फैमिली के लोग आपको खोजते रहेंगे तो उसमें आपको कुछ मार्गदर्शक मिल जाएंगे वो आपको वहां पे भूल भुलैया को दिखा देंगे तो ये जो किले हैं ना किले में भी जो मुख्य किला होता है जैसे किले के अंदर कई किले होते थे मुख्यतया दो किले तो मुख्य किले के पहुंचने के पहले भूल भुलैया बनाया जाता था उसमें शत्रु की सेनाएं भूल जाती थी पता ही नहीं होता था कि वास्तव में किला कहाँ है जहां पे राजा विद्यमान है या शासक विद्यमान और भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु के सैनिकों को चक्कर में डाल देता था या सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुंह में पहुंचा देता था अब ये जो बेसिक बातें हैं ये आपको कहीं भी नहीं पढ़ने को मिलेंगी और ये बड़ी आसानी से याद हो जाती बस थोड़ा सोचें आप गहराई से थोड़ा मंथन करें आसानी से आपको याद हो जाएगा ये अब ग्वालियर के किले के बारे में आइए देखिए <स्थियों> ये काफी अजेय था मतलब अजेय किला माना जाता था क्योंकि काफी भव्य बना होता था और इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था देखिए ऊंचाई तो बिल्कुल खड़ी थी लेकिन इस तरीके से सपाट थी और इस किले पर सीधे चढ़ना बहुत असंभव था क्योंकि आपने देखा ही अभी फिर मैं आपको दिखा दूंगा ये बहुत ऊंची इसकी दीवारें थी इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और कई कामों के लिए भी यूज किया जाता था बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीजों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी थी, थी� पर ग्वालियर के किले को देखकर वो भयभीत हो गया था बाबर ग्वालियर के किले को देख के बाबर काफी भयभीत हो गया था कि हैं ये कैसा किला भाई भारतीयों ने बनवा रखा है तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि बाबर को भारतीय वास्तुकला से कोई प्रेम नजर नहीं आया लेकिन फिर भी बाबर किस स्थापत्य को देखता है तो उससे प्रभावित होता है तो ग्वालियर का किला है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसी तरीके से प्रश्न आपसे बन जाएंगे ठीक चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है और यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आप पढ़ डालिए इसको जो चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान का किला है ये किसी भी किताब में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि ये एशिया का सबसे दिव्य सबसे बड़ा सबसे अलौकिक किला है इसीलिए कहता हूं एनसीआरटी को पढ़ना जरूरी है स्टैंडर्ड बुक के अपेक्षा जो नए लोग हैं वो भी जो पुराने लोग हैं वो भी क्योंकि तो हमने देखा है पुराने लोग चार चार पांच पांच साल तक तैयारी कर लेते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता रिजल्ट ना आने का कारण ये है कि वो स्टैंडर्ड बुक में विश्वास करते हैं और इन किताबों को एनसीआर को पढ़ते ही नहीं और यहां से लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं और यहां पे जो लिखा गया है वो किताबों में लिखा नहीं जा सकता कहीं नहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा तो ये देखिए चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है आप नोट कर सकते हैं इसको यहां पे एनसीआरटी को पढ़ते समय ऐसे आप लोग लाइन चला दीजिए ऐसे इसमें कई तरह के भवन हैं जिसमें से कुछ विजय एवं वीरता के स्मारक स्तंभ एवं शिखर भी हैं इनमें अनेक जलाशय भी हैं किले के प्रधान सेनापतियों तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं इसके अलावा इसमें ऐसे कई स्थल हैं जो यहाँ के नर नारियों के त्याग और तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं इन सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू ये है एक दिलचस्प पहलू आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको एक दिलचस्प पहलू क्या है भाई एक दिलचस्प पहलू यह है कि इनमें स्थित राजमहलों में अनेक शैलियों के आलंकारिक प्रभावों को बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजो रखा है बड़ी उदारता के साथ यह कहा गया है इसमें स्थित राजमहलों में अनेक जो राजा का महल होता था इसमें अनेक शैलियां यानी अनेक शैलियों में राजा राजा के महल में अनेक स्टाइल अनेक शैलियों का प्रयोग किया गया अलंकरण में, में साजु सज्जा में किया गया इसका मतलब राजा जो होते थे वो काफी उदार होते थे ये कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है काफी उदार होते थे काफी धर्म निष्ठ होते थे या धर्म निरपेक्ष होते थे क्या होते थे धर्म निरपेक्ष होते थे तो ये किलों का अध्ययन हम लोगों ने किया ठीक इसमें आप लोगों ने विस्तृत रूप से ग्वालियर के किले को पढ़ा और दौलताबाद के किले को पढ़ा और एशिया के सबसे बड़े सबसे दिव्य सबसे अलौकिक किले को भी आप लोगों ने पढ़ा और आज जाना भी तो किले को पढ़ने के बाद में मीनार और अन्य स्थापत्य संबंधी कार्य का अध्ययन हम लोग कल की क्लास में करेंगे हाँ एक अग्रिम सूचना आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अभी 8 पीएम से अभी 8 पीएम से हमारी एक क्लास और होगी और ये अनएकेडमी के ऐप पर क्लास होगी ठीक है ना और इसमें आधुनिक भारत का अध्ययन हम लोग एमसीक्यू के रूप में कर रहे हैं आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे आठ बजे से अभी एक क्लास शुरू होगी आज ही तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कल हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे ठीक है ना जो छूटा हुआ है यहीं से कल हम लोग आगे बढ़ेंगे मीनार के अलावा अन्य जो स्थापत्य हैं चाहे वो मस्किस हो चाहे वो मकबरा हो चाहे वो मीनार हो या स्थापत्य के अन्य हैं जो द्योतक हो उसका अध्ययन करेंगे अभी मुख्यतया हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य का अध्ययन नहीं किया जो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य हैं इलतुतमिश के स्थापत्य हैं हिलदी शासकों के स्थापत्य हैं ऐबक शासकों के स्थापत्य हैं अभी तो हम एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष स्थापत्य का अध्ययन कर रहे हैं तो कल की क्लास में हम लोग मीनारों को पढ़ेंगे उसके बाद में स्थापत्य के अन्य प्रतीकों को पढ़ेंगे तो आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त करें बताइए चार बजे से क्लास होती है आप लोग हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा इसी पे पीडीएफ वगैरह आपको मिलता रहेगा ठीक हमने लिंक शेयर कर लिया है तो कल मिलते हैं चार बजे से हमारी क्लास होती है और कल भी चार बजे से ये क्लास होगी आप लोगों के बीच में चलिए आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को थैंक यू